तेरे जहां में है वही गर्दिशें सुबह शाम भी, तेरे अमीर माल मस्त, तेरे फकीर हाल मस्त। अच्छा भैया, अभी हम पहुंचे हैं एक हमारे है समंदर साइड पे, और यहाँ पे थोड़ी देर रुके, चाय पिए समंदर के सामने चाय। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे रुकें, प्रिंसेस ऑफ होप से थोड़ा सा हम आगे आए हैं, हिंगोल नेशनल पार्क उसको क्रॉस किया, उसके बाद हमें एक ये छपरा मिला है। भाई इस छपरे में जो फील आई है ना, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स ब्रो। चाय पिए चाय के सामने, आपके पीछे समंदर होगा और यहाँ पे गन्ना मचाएं। आपका सामान किधर है? आला, हमारे एक राइडर भाई आए हुए हैं YBR पे और ग्वालियर जा रहे हैं आप। माशाल्लाह ज़बरदस्त, आला भाई ज़बरदस्त, आप जाएं भाई, आपके वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं लोग, इतने अच्छे लोग हैं ना, आप कहेंगे यार सब बकवास करते हैं। सही बात है, तो लोग जमा होंगे। मैं आपको क्या कहा था कि जहाँ जगह आ जाए वहाँ ये मत सोचें कि आगे इससे अच्छी आएगी तो आगे भी नहीं आती। यहाँ भाई बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सर अगर आप जा रहे हैं ना कोस्टल हाईवे पे, तो दिस इज़ द मस्ट प्लेस टू स्टॉप। यहाँ की बीच, यहाँ का पानी, यहाँ की सेरेनिटी, वो एक दी मस्ट है जाने के लिए। तो ज़रूर यहाँ पे आप 5 से 10 मिनट तो रुकें ही रुकें, बाकी ये कि जब आप रुकेंगे यहाँ पे आपको मज़ा आएगा, तो फिर आप आगे का भी सोचना।
because I have lived in Sharjah for a couple of years, so I can tell you one thing: this beach is beautiful as the beaches of Sharjah. And the added benefit over here from Sharjah is, except little bit littering over here, is that यहाँ पे ये beach का जो site है ये थोड़ी ऊपर है, so you can have a vast view. So must stop. और ये जो mountains हैं ये आपको नया एक्स लेवल क्रिएट करती हैं और लहरों के जो साउंड है इट्स अमेजिंग. सो मस्ट मस्ट. और यहाँ पे जो यूनिक चीज़ है ना, साथ में पहाड़, सड़क और समंदर. भाई जान एक नंबर. अभी हम चल रहे हैं आगे कुंडमलेर, हेडिंग टूवर्ड्स कुंडमलेर. साथ में समंदर, कोस्टल हाईवे और माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन. आप समझ. हाँ बिल्कुल यार, कोस्टल हाईवे के सीन हुए हैं स्टार्ट और मारा से. अगर आप कराची से और मारा आ रहे हैं तो भाई रिकमेंडेड है ना ये वाला रूट. अगर आप ग्वादर जा रहे हैं तो और मारा से, तो आपको इतने सीनिक व्यूज़ मिलने हैं ना, आप मज़े करेंगे. ग्वादर जा रहे हैं तो आगे ज़रा मतलब चटियल मैदान है, मतलब वो सीनरी नहीं है जो ये वाली है ना, हिंगोल नेशनल पार्क वाली. तो ये काफ़ी बड़ा है यार, हिंगोल नेशनल पार्क काफ़ी बड़ा है, मतलब अभी तक एंड नहीं हुआ है हिंगोल नेशनल पार्क. वाह यार अमेजिंग. और जो ये सीन स्टार्ट हुए ना यार, समंदर के साथ और पहाड़ों के साथ राइड, यार इसकी एक अपनी ही वाइब है. अगर आपने माइंड रिलैक्स करना है ना, आप अगर आपको पीस चाहिए, अगर आप ढूंढ रहे हैं पीस, टेंशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो यार मस्ट विजिट प्लेस. और बाइक पे आए भाई, बाइक का जो सीन है ना वो अपना ही है. ओह 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 माशाल्लाह. ओह हो अरे भैया सामने है समंदर पहाड़ों के दरमियान से. भाई मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या बताऊं. एक नंबर मज़ा, मतलब एक नंबर सुकून, मतलब पहाड़ियों को जब आप उतर रहे हैं और ओह हो साइड पे शिप्स चल रही हैं, कश्तियां चल रही हैं. ओह माय गॉड सामने आ गया है शायद कुंडमलेर. थे घर के छोटे लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां, पैसा कमाते या निभाते हम वो यारियां, और देखें कामयाबी अब उन्हें हैरानियां. बेजार थे लेकिन हम शुक्र गुजार. हिंगोल नेशनल पार्क थे, माने सिखाया दिल में नफरतें नहीं पालते, खुश अपनी खाल में बिना मलाल के, आज के काम कभी कल पे नहीं टालते. ये आशिक